<clears throat> good evening to all. Very good evening to all students. You have been waiting. Just because of some urgency, I had uh, a little bit delayed the class. But now the class would be there, guys. So let us take the set number 47 based on pedagogical practice. And also, we do have two comprehensions today. Ji Bacho, very good evening. Shiva. कुंदन शिवानी यशिका रुचि स्मृति आयुषी वेरी गुड इवनिंग बच्चों जी मीनू पूनम नमस्ते जी पारुल अनुज। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं अपने वर्क को और देखते हैं आज सबसे पहला क्वेश्चन इसमें अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो वन टू नाइन टू गो थ्रू द पैसेज एंड यूल टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉम्प्रिहेंशन तो बच्चों शुरू करते हैं जी बिकॉज ऑफ सम अर्जेंसी शिवा इट हैपन समाइम्स तो बच्चों अगर हम देखें यहां पे तो आज का जो पैसेज है वो मैडम कामा पे है मैडम कामा मस्ट बी दैट यू हैव गोन थ्रू द नेम बहुत जबरदस्त नेम है हमारी हिस्टोरिकल या हम देखें तो इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में तो मैडम कामा के ऊपर बेस्ड है देखो कितना स्ट्रोंग मैडम कामा को यहां पे प्रेजेंट किया गया है तो आप इसको देख सकते हैं मैडम कामा पेरिस होम बिकेम अल्टर फॉर द रिवोल्यूशनरीज इवन लेनिन देखो लेनिन भी खुद इनके पास आए थे द फादर ऑफ रशियन विजिटेड हर हाउस एंड एक्सचेंज रेवल्यूशन सावरकर इनके पास में आए थे फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस हैड बीन गिवन बाई कामा है ना शी हेल्प प्रिंटिंग कौन सी बुक थी यहाँ पे जबरदस्त बुक थी इस बुक को इन्होंने प्रिंट भी करवाया डोन की जोड़ के कवर में छुपा के उसको वंदे मातरम मैगजीन जो कि बड़ी मुश्किल थी इंग्लैंड में रह के उसको पब्लिश करना ये भी किया इन्होंने कहने का मीनस अगर हम देखें तो मदन लाल ढींगरा से लेके जो कि जबरदस्त रेवोल्यूशनरी थे वो सबके सब, सब इनसे मिले रहे और आगे तक की बात यहां पे आती इजिप्ट एसेट्रा इन सब में भी इनका एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है राइट बच्चो जी शिवा ऑल राइट ठीक है जी रेणु का ऑल राइट बच्चो तो बच्चों इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है फर्स्ट देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनता है वो पूछता है द वर्ड विच इज अपोजिट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड फेमस तो सब बच्चों को फेमस वर्ड का अपोजिट यहां पे बताना है इसका मीन क्या बना गो थ्रू द एंटोनिम आपको बच्चों यहां पे एंटोनिम बताना है गेटिंग एवरी वन तो जरा बताइए बच्चों क्या बनेगा इसका एंटोनिम अगर हम इस वर्ड को वापस जाएं और देखें यहां पे तो बच्चों आप चेक कर सकते हैं वेयर इज द वर्ड फेमस है ना यहां पे आप देख सकते हैं न, 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 यहां पे आपको कहां मिलेगा फेमस फेमस हाँ जी देखो बच्चों यहां पे फेमस आपको दिख नहीं रहा है आई थिंक कहीं मिल रहा है क्या वर्ड आपको फेमस यहां पे बिकेम द पब्लिसर वन दे मातरम डिस्ट्रीब्यूटर एनऑदर मैगजीन ऑल राइट ऑल राइट अच्छा फेमस वर्ड यहाँ पे दिखने रहा है कोई बात नहीं है इट है सेंचुरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ट्राइड टू अच्छा पीछे वाले में नहीं है जो पीछे वाला है बिल्कुल सिवा उसमें नहीं है बात

तो इसके बारे में पूछता है कि इसका क्या मीन्स बनता है हमारा तो वो कहता है इसको आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है अब आप देख रहे हैं एक बात यानी उसने कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू ही आपसे टेंस पूछ लिया है के थ्रू क्या क्या बच्चों टेंस पूछ लिया है कि भाई इसको पास्ट परफेक्ट में अब आप इसको देखो फोर्ट अगर मैं कहूं तो ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनेट बनेगा ये क्या है बच्चों पास्ट इंडेफिनेट राइट बात है कि नहीं हमारी वीटू यहां पर है पास्ट परफेक्ट में जब आप जाएंगे तो क्या बनती है बच्चों हमारा हेड प्लस वी थ्री बनता है तो आंसर कीजिए कौन सा बनेगा बिल्कुल सही बात है बच्चों अच्छा देखो जब आप हेड बीन फाइटिंग कहेंगे तो है तो पास्ट परफेक्ट ही लेकिन ये पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है और अगर आप इसको देखोगे हेड प्लस वी थ्री तो ये पास्ट परफेक्ट है दोनों में डिफरेंस बन गया ना इज वाली बात तो आप खत्म ही कर देंगे हेड वाली भी खत्म कर देंगे दो में देखेंगे तो यहां प्लस, प्लस है जबकि बच्चों इसको पास परफेक्ट बनाता है तो आंसर आपका थर्ड बनेगा यानी कि इसी के थ्रू आपसे कुछ भी पूछ सकता है टेंस पूछ सकता है आर्टिकल्स पूछ, तक, पूछ सकता है फ्रेजेस क्लोजेज कुछ भी पूछ सकता है तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री को वो कहता है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो तो बच्चों सेंटेंस पे है ही नहीं तो कहां से बताएंगे हम क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं फिर से टाइपिस्ट ने कुछ किया है इसमें सेंटेंस को उड़ा दिया है तो देखो हाउ डिड द बुक कौन सी बुक है बच्चों द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइंड इट्स वे टू इंडिया मतलब किस तरह से वो इंडिया में आई तो बड़ी बात है कि मैडम कामा बच्चों कहां पे थी अगर हम देखें मैडम कामा बेसिकली पेरिस में थी अब देखो लिखी गई वहां पे पेरिस होम बिकेम द शेल्टर ये लिखा हुआ है अब देखो यहां पे लिखा है एनकरेजमेंट इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम कामा है ना शी हेल्प इट्स प्रिंटिंग इन हैंड एज नो इंग्लिश पब्लिशर केम फॉरवर्ड टू पब्लिश इट वॉज बैंड इट वॉज अ बैंड बुक ये बैंड बुक थी बट फाउंड इट्स वे टू इंडिया स्मगल्ड इंजीनियसली समझ रहे हो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ बच्चों अगर हम यहां पे देखें कि ये कैसे आई तो आप खुद बताओ स्मगल्ड हुई सेंड थ्रू सीट एजेंट कुरियर की गई या बच्चों मेल की गई क्या मेल भी उस समय पे थे नहीं बच्चों ये मेल उस समय पे नहीं थे एग्जैक्टली exactly बच्चों ये आंसर आपका ए बनेगा लिखा ना इस इसमगल्ड तो इस स्मगल्ड की गई वो स्मगलिंग की गई उसकी तो ये साफ साफ वहां पर दिया गया है तो फोर का आंसर हमारा ए बनेगा गेटिंग बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं मदन लाल ढींगरा वो क्या थे बच्चों पोएट थे जर्नलिस्ट थे बिजनेसमैन थे फ्रीडम फाइटर मैं एक बात कहता हूं आपसे मैं आपको पैसेज नहीं दिखा रहा हूं पैसेज आपको आपसे समझ लिया उसमें क्या लिखा है तो आप खुद बताइए बच्चों मदन लाल ढींगरा क्या थे एक मतलब होता ना असेसमेंट में हो जाता है ये ही अच्छा, है अच्छा ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है हंड्रेड परसेंट बच्चों फ्रीडम फाइटर अब जरा पैसेज पे जाते हैं तो पैसेज में भी यही बात लिखी होगी आपकी है ना ये देखो यहाँ पे लिखा है ये लिखा है बच्चों अगर आप देखेंगे यहां पे लिखा है तवर वोज ऑल्सो स्टार्टेड इन मेमोरी ऑफ मदन लाल ढेंगरा है ना हुई लाइफ फॉर द कंट्री ये कंट्री है बच्चों बेसिकली कंट्री है यहाँ पे तो इसका मतलब वो भी क्या थे फ्रीडम फाइटर थे तो आंसर हमारा बच्चों आ गया फ्रीडम फाइटर क्लियर अगले क्वेश्चन पे आएंगे सिक्स नंबर कहता है नॉट ओनली डिड मैडम कामा पार्टिसिपेट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम शी ऑल्सो वो खाली मतलब फ्रीडम फाइटर नहीं रही बल्कि उसने और भी किया तो बच्चों क्या किया अगर हम देखें हाँ, पैरा पढ़ने से रेनुका बिल्कुल है कुछ पढ़ लें तो उसमें काफी आसान हो जाती है आसानी क्रिएटेड अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस नहीं बच्चों क्लीनलीनेस पे चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन हंड्रेड परसेंट बच्चों आंसर आपका बनेगा चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन अगर हम देखें तो ये सबसे पहली लाइन में हमारा लिखा हुआ है है ना ये यहाँ पे लिखा सावरकर गॉट द कामा शी हेल्प द प्रिंटिंग एटसेट्रा मतलब हम देखेंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली शी कॉज शी चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन क्वेश्चन नंबर यहां पे दिया गया है मैडम कामाज एंट्री इनटू इंडिया वॉज बैंड मतलब इंडिया में एंट्री बैन कर दी गई थी बेसिकली कौन करने वाले थे इंग्लिश पीपल तो कैसी बैन कर दी गई थी शी स्पोक वेहमेंटली नहीं बच्चो वेहमेंटली अगेंस्ट नहीं बोली बल्कि शिवोज स्प्रेडिंग रूमर्स नहीं अ रेवोल्यूशनरी एंड स्टॉन्च नेशनलिस्ट आपने देखा ना बच्चों का क्रांतिकारी स्टोज का मीन होता है कट्टर जिसे कहते कट्टर नेशनलिस्ट थी यानी अगर हम इस बात को देखें तो यह बात हमें कहां पे दिख जाएगी आप इसको देख सकते हैं यहां पे आ, कहां पे देखेंगे आप इस लाइन को देखो बच्चे यहां पे लिखा केम समहाउ मैडम मैडम कामा समहाउ फाउंड वेज टू सेंड देम द इंडियन रेवल्यूशनरीज फोर्ट फॉर द कोज ऑफ वेमेन लिखा है कॉज ऑफ वेमेन स्पीकिंग एट नेशनल कॉन्फ्रेंस कायर बच्चों इसमें कई सारी चीजें यहां पे लिखी हैं मतलब मेरे कहने का है कि आपको ये बढ़िया से आराम से मिल जाएगा बिल्डिंग नेशन ये देखो बिल्डिंग नेशन शी स्ट्रेस द रोल ऑफ वेमन इन बिल्डिंग नेशन तो एक तरह से नेशनलिस्ट थी ये भी बात हमें यहाँ पे मिल जाएगी ये लिखा है यहां पर ग्रेट रेवोल्यूशनरी पास्ट एंड स्टोच नेशनलिस्ट आउटलुक ये बच्चों सबसे जबरदस्त यहां पर बनेगा तो हम इसमें आसानी से आंसर दे सकते हैं शिवोज रेवोल्यूशनरी एंड स्टोच नेशनलिस्ट क्लियर टू तो एवरी वन हा बिल्कुल ठीक है शिवा थर्ड पैरा में सेकेंड लाइन में बहुत अच्छे बच्चों अब देखो इसमें एट नंबर पर आप देख सकते हैं द ओथर्स एटीट्यूड टू मैडम कामा कैन बी डिस्क्राइब अब बच्चों देखो इस चीज को पूछता है पेपर सेकंड में जाता है कि जो ऑथर का एटीट्यूड है बच्चों वो मैडम कामा के लिए कैसा है क्रिटिकल है क्या वो उसको नेगेटिव पॉजिटिव को देख रहा है कॉन्ट्राडिक्ट्री उसका विरोधी होस्टाइल दुश्मन या बच्चों प्रशंसनी है लॉडेटरी है प्रशंसा करने वाला है या फिर कौन सा है आप खुद बताइए क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हम क्या बनाएंगे यहां पे एग्जैक्टली बच्चों बिल्कुल सही है डी आंसर बनेगा आपका लोडेटरी बनेगा हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट पे और दिया है नाइन नंबर में वर्ड इंजीनियसली मोस्ट नियरली मीन तो बच्चों देखो इंजीनियसली को हम यहां पे देखेंगे वापस जाते हैं और देखो इसमें चेक करते हैं कहां पे दिया है ये रहा सबसे नीचे देखो वो जो बुक थी उस बुक के बारे में इट वॉज बैंड इट वॉज अ बैंड बुक बट फाउंड इट्स वे टू इंडिया स्मगल्ड इंजीनियसली अंडर डोन किसोट कवर्स मतलब डोन किजोट की, की बुक थी उसके कवर के अंदर अंडर में रख के इसको यहां पे इंजीनियसली इंजीनियर का मीन फिर क्या बन गया बच्चों चतुरता से क्लेवरली क्लेवरली अगर हम इन सारे वर्ड्स में देखेंगे तो इन सारे वर्ड्स में विलफुल्ली नहीं बनेगा डेविलिशली नहीं बनेगा सिक्रेटली नहीं बची बच्चों बल्कि क्या बनेगा क्लेवरली बड़ी चतुराई से उसको उनके कवर्स के बीच में रख के उसको यहां पे स्मगल किया गया था तो आंसर इंजीनियसली का बनेगा बच्चों क्लेवरली करेक्ट एवरीवन तो आंसर हमारा यहां पे डी हो गया अब बच्चों नेक्स्ट देखिए तो यहां पे एक पोयम दी गई है ये 2015 का है टोटल जो पेपर आपके लिए लिया गया सितंबर 2015 तो इस पोयम ये पोयम बेसिकली बेस्ड है सोहराब एंड रुस्तम जब आप इसे पढ़ेंगे तो बच्चों वैसे पता चलेगा सोहराब एंड रुस्तम बेसिकली सब जानते हैं सु, सोहराब फादर था रुस्तम को उसने मार दिया था है ना रुस्तम को मार दिया रुस्तम इसका बेटा था और ये कैसे एक आ, डुल वॉर में इनको मार डाला गया था सौरभ ने अपने बेटे को मार दिया बाद में पता चलता है इस बात को तो बड़ी ही अगर देखें तो बड़ी जबरदस्त कहानी है तो आप इसको देख सकते हैं बच्चों और पहला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं कहता वो फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन थर्ड एंड फोर मेटनिमी है सिमली है मेटाफर है क्वेश्चन पे जाते हैं यह रहा क्वेश्चन हमारा देखो थर्ड लाइन ये रही आपकी और बच्चों फोर्थ लाइन ये रही आपकी सो लाइक सम सिंगल सो लाइक सम सिंगल टावर विदिफ चीफ हैथ बिल्डिड ऑन द वेस्ट इन फॉरमरियर्स तो बताओ बच्चों अगर यहां पर लाइक आ रहा है सो लाइक सम सिंगल टावर तो इसमें से क्या बनेगा आपका मेटेनिमी सिमली मेटाफर या फिर परसोनिफिकेशन आप खुद बताइए हंड्रेड परसेंट सिमली बनेगा अनुज करेक्ट बात होगी बच्चों बी बता दिया है कई बच्चों ने तो ये आपका सिमली बनेगा लाइक और एज का यूज होने का मतलब है बच्चों वहां पे हंड्रेड परसेंट सिमली होगा बहुत अच्छे अब देखो कहता है इलेवन नंबर पे नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन क्या है बच्चों ही सो दैट हेड स्ट्रीक्ट विद इट्स फर्स्ट ग्रे हेयर बेसिकली उसने क्या कहा ही सो दैट हेड हेड का मतलब है सर स्ट्रीट स्ट्रीट का मीन्स होता है बच्चों इसे कलर में डूबा हुआ हो कलर से बना हुआ हो विद इट्स फर्स्ट ग्रे हेयर फर्स्ट ग्रे हेयर का मतलब होता है बच्चों ग्रे हेयर का है बुढ़ापा आ जाना तो मतलब एक तरह से ग्रे हेयर उसमें स्ट्रीक हो रहे थे तो एक तरह से मैं बताऊं तो आपको यहां पे इमेजरी का यूज किया गया है बच्चों क्या बनाया गया है इमेजरी इमेजरी का मीन्स है कि जब हम कुछ लिखते हैं और उस लिखने से कोई इमेज बन के हमारे सामने आए जैसे मैं कह दूं उस लड़की के सर पे तीन बाल ग्रे थे तो हमें एकदम से महसूस होता है अच्छा तीन बाल सिर्फ ग्रे हैं तो एक इमेजिनेशन बन जाती है कि इमेजरी बन जाती है तो आंसर आपका फोर बना यहां पे अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को द एनकाउंटर बिटवीन रुस्तम एंड सोहराब took place तो बच्चों इसको जरा पीछे देखते हैं है ना यहां पे आ गया देखो क्या लिखा है सो स्पोक माइंडली सोहराब हर्ड हिज वॉइस अब देखो बच्चों

हिज जाइंट फिगर प्लांटेड ऑन द सेंड ये जो लिखा है प्लांटेड ऑन द सेंड इसका मतलब वहां पे सेंड था तो बच्चों अगर हम इसमें आएंगे तो देखो क्या लिखा है एनकाउंटर जो रुस्तम का हुआ सोहराब से बताओ डेजर्ट में हुआ वैली में हुआ फॉरेस्ट में हुआ या बच्चों शीशोर पे हुआ अब आपको तो सकते तो 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 हंड्रेड दे परसेंट धनंजय बहुत अच्छे बिल्कुल सही है प्रीति ये बच्चों डेजर्ट में बना पकड़ में आ रही है सेंड से हमें पता चल रहा है वहां पे डेजर्ट है एग्जैक्टली exactly. अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आपके कहता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुस्तम फिजिकल अपीरेंस शोज फिजिकल अपीरेंस उसकी क्या बताती कि वो कैसा था अभी आपने देखा ग्रे हेयर की बात कर रहा है बच्चों और ग्रे हेयर मुझे बताओ जो मतलब सफेद बाल होते हैं वो कब टीन एज में आते हैं यंग एज में ओल्ड एज में या बच्चों मिडल एज में शुरू हो जाते हैं मतलब वो शुरुआत थी जैसे उसमें लिखा एक दो ही थे

तो अभी आपने देखा था माइंडली वो बोल रहा है तो ही फेल्ट ग्रेट लव एंड एडमरेशन फॉर हिम करेक्ट उसने उसके लिए प्यार की भावना और एडमायरेशन की मतलब एक तरह से सहानुभूति की भावना उसके अंदर रखी है तो फोर्टीन का आंसर भी हमारा डी बन जाएगा अब देखो बच्चों फिफ्टीन नंबर पे वो कहता है द पोएट डिस्क्राइब्स रुस्तम्स वॉइस रुस्तम की वॉइस को वो कैसा बताता है श्रिल पतली लाउड जोरों से पावरफुल या बच्चों बूमिंग तो वो बेसिकली पावरफुल बताता है क्योंकि रुस्तम यहां पे पावरफुल शो किया गया है जिसे कहते हैं ना छुपा रुस्तम तो वो यही कंडीशन है रुस्तम इज ऑल पावरफुल 15 आंसर आपका सी जाएगा और बच्चों अब आपके क्वेश्चंस आते हैं हमारे बेस्ड ऑन पेडेगोजिकल कॉन्सेप्ट तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे अ टीचर हैज गिवन अ टास्क टू बी डन इन ग्रोप्स टीचर ने बच्चों को एक ग्रुप में टास्क दे दिया है ग्रुप्स में बांट दिया है उनको विल बी द द रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग दिस ग्रुप ग्रुप वर्क वर्क इस में टीचर का रोल क्या होगा बच्चों टीचर शुड गिव फुल ऑटोनोमी टू ग्रुप पूरी ऑटोनोमी पूरी स्वतंत्रता दे दे उनको एंश्योर दैट स्टूडेंट डू नॉट मेक नॉइज वो शोर ना करें एंश्योर दैट द टास्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम समय पे पूरा हो जाए इसलिए वो She should remind them of time again and again. बार बार बताती रही बेटा टाइम हो गया टाइम हो गया या फिर एंश्योर दैट एवरी वन एन अ ग्रुप पार्टिसिपेट्स एवरी वन एन अ ग्रुप पार्टिसिपेट इन द टास्क एंड ट्राई टू सपोर्ट दैम इफ रिक्वायर्ड वाह बच्चो वाह वेरी गुड बहुत अच्छे बिल्कुल सही बात है बच्चो आंसर आपका फोर बनेगा उन्हें पार्टिसिपेशन को देखना है ग्रुप में तो वो कर ही रहे हैं बस ये देखना है कि हर बच्चा उस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर नहीं और कहीं सपोर्ट की अगर जरूरत पड़े तो उसे रिक्वायर्ड प्रोवाइड कर दे वेरी गुड बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट विल बी हेल्पफुल इन असेसिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर मतलब कैसे क्वेश्चन होंगे जो बच्चे की क्रिएटिविटी को असेस करेंगे बताओ बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस अभी आप कर रहे हैं क्या इसमें कोई क्रिएटिविटी है ना बच्चों रटी रटाई चीजें हैं ट्रू एंड फोल्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड है लेकिन बच्चों जब आप करते हैं ओपन एंडेड वेरी गुड सबने बता भी दिया है भाई वाह मैं तो क्वेश्चन बताता रह गया आप लोगों ने आंसर भी कर दिया है वेरी गुड ओपन एंडेड का मीन्स ये होता है बच्चों आपके व्यूज वहां पे पूछे जाते हैं कि हाउ कैन यू डू दैट तो ये ओपन एंडेड हो गया अब एक देखो बात क्लोज एंडेड बच्चों कैसे क्वेश्चन होते एंडेड होते हैं लाइक like मैं पूछूं बच्चों what is density? मैं आपसे पूछूं इज डेंसिटी भाई घनत्व क्या होता है तो घनत्व इज इक्वल टू यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम है ना द्रव्यमान गुणा वॉल्यूम uh, क्या कहते हैं इसको आयतन तो ये सीधी सी बात होगी भाई क्लोज एंडेड हो गया इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे लेकिन जब आपसे ओपन एंडेड कहा जाता है तो ओपन एंडेड का मीन होता है जैसे आपसे पूछा जाए कि लाइक यू वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई विच मशीन वुड यू प्रेफर और कैसे आप उसे बनाएंगे अब आपका पूरा मन खुला हुआ है आप जो चाहे वहां पर बता सकते हैं जो भी आपके मन में क्रिएटिविटी आती है तो बेसिकली क्रिएटिविटी को शो करेगा हाँ बिल्कुल सही है बच्चों फिक्स आंसर क्लोज है करेक्ट बात है अभिषेक बिल्कुल सही बात है आगे बढ़ते हैं बच्चों जी अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, मतलब एक तरह से है, राइटिंग में है और बच्चों इंपेयर हैंडराइटिंग है तो आप इसे डिस्ग्राफिया डिस्फेजिया कहेंगे, कहेंगे, कहेंगे या बच्चों डिस्केलकुलिया कहेंगे हंड्रेड परसेंट डिस्ग्राफिया बनेगा ग्राफ का मीन होता है लिखना डिस्फेजिया बच्चों जब हम देखेंगे तो ये बनेगा आपका स्पीकिंग से स्पीकिंग डिसऑर्डर जबकि एफेजिया आपका क्या बनेगा लैंग्वेज डिसऑर्डर डिस्कैलकुल कैसा बनेगा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन से रिलेटेड है ना आप इसमें बोर्ड मार्स को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो ये सारे के सारे बन गए बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 19 पे आते देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है इन रोल प्ले स्टूडेंट एट द एंड सेड रोल प्ले में एक स्टूडेंट ने एंड में कहा क्या कहा बच्चों दिस न्यूज रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाई द रिपोर्टर आशु एंड कैमरा मैन प्रिया तो रिपोर्टर कौन है आशु लड़का कैमरा मैन कौन है प्रिया लड़की तो टीचर वहां पे कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ कैमरा मैन यू शुड से कैमरा पर्सन आपने देखा बच्चों हम कभी चेयरमैन अब चेयरमैमैन नहीं कहते हम कहते हैं चेयरपर्सन तो चेयरपर्सन जो वर्ड है वो कॉमन नाउन बन गया पता नहीं चलता है वो महिला है कि मेल है कि फीमेल तो कहता है इट इंडिकेट्स ये टीचर के किस बात को यूज करने को इंडिकेट करता है है जेंडर 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 बायस बायस होना नहीं बच्चो, जेंडर बायस तो नहीं बच्चों तो तो बिल्कुल हटाए न्यूट्रल ये बात आपकी बन जाएगी तो जेंडर न्यूट्रल बनेगा हंड्रेड परसेंट बच्चों बहुत अच्छे तो आंसर हमारा बी बनेगा यहां पे ट्वेंटी नंबर को देखो सब लोग द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर अब आप मुझे खुद बताओ बच्चों यूनिवर्सल ग्रामर में आपने देखा था कि जो भी इसके फॉर्मुलेट फॉर्मुलेट करने वाले फाउंडर हैं उनका कहना था कि इसमें दो स्ट्रक्चर होती हैं बच्चों कौन कौन सी डी स्ट्रक्चर एंड दूसरी एस स्ट्रक्चर एस का मीन्स है बच्चों सरफेस और डी का मीन्स है डीप स्ट्रक्चर इन दोनों को मिला के वो एक ग्रामर बनाते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रामर तो कौन है बच्चों हंड्रेड परसेंट नॉम चुमस की बहुत अच्छे मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया है इट्स रियली ग्रेट ट्वेंटी वन को देखो बच्चों कहता है डिक्शनरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज बिल्कुल सही बात है बच्चों हमें डिक्शनरी की हंड्रेड परसेंट जरूरत पड़ती है लेकिन वो कहता है ऑफ द द फॉलोइंग इज लीस्ट अबाउट यूज ऑफ डिक्शनरी इनमें से कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी के यूज में तो खुद बताओ बच्चों आप अगर हम एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे बिल्कुल हम डिक्शनरी का यूज करते हैं स्पेलिंग बच्चों देखेंगे हंड्रेड परसेंट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच मतलब हम उसमें क्या देखते हैं वो नाउन है या प्रनाउन है या एडजेक्टिव है ये सब आप चेक भी कर सकते हैं जब आप देखते हैं ना वहां पर लेकिन कहता है चेक दैसिव दर्ड ये बच्चों कौन सी बात बनी पैसि थोड़ी है? आप देखते हैं नहीं तो आंसर आपका वन बन जाएगा वो बच्चों कह के आ रहा है विच ऑफ द फोलोइंग तो लीस्ट इंपोर्टेंट क्या बनेगा आपका वन बाकी तो सारे इंपोर्टेंट है ना तो आंसर हमारा यहां पे क्या बन जाएगा ए चेक द पैसिव वॉइस ऑफ अ वर्ड राइट बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे आएंगे कहता है विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ टेक्निक ऑफ असेसमेंट सॉरी सॉरी एक मिनट देखते हैं क्या है चेकलेस रेटिंग तो सारे ये कहता है विच इज नोट अट लिखो बच्चों नोट अ टेक्निक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोन टेक्निक ऑफ असेसमेंट असेसमेंट की टेक्निक कौन सी नहीं है चेकलिस्ट नहीं है रेटिंग स्केल रूब्रिक्स या बच्चों इंटरव्यू बताइए बच्चों इनमें से कौन सी हमारी नॉट अ टेक्निक ऑफ असेसमेंट देखो ध्यान से देखो चेकलिस्ट आप यूज करते हैं हंड्रेड परसेंट करते हैं रेटिंग स्केल यूज करते हैं हंड्रेड परसेंट करते हैं इंटरव्यू से क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं लेकिन बच्चे रूब्रिक्स का मीन्स होता है हेडिंग ये क्या होता है हेडिंग होता है तो इससे थोड़ी करते हैं आप तो रूब्रिक्स इज द आंसर हियर 22 का आंसर आपका क्या बनेगा यहां पे थ्री गेटिंग बच्चों तो सी यानी कि थ्री वुड बी द आंसर रूब्रिक ठीक अच्छा मीनाक्षी ये तो सब तो तो आएंगे आपका रेटिंग स्केल भी आएगा टोटल रिकॉर्ड्स भी आएगा है ना पोर्टफोलियो पे आएगा सारे के सारे बनेंगे अब देखो बच्चों ट्वेंटी थ्री पे क्या कहता है वो वो कहता है लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्व तो बताओ बच्चों क्या इन्वॉल्व नहीं करता है ट्वेंटी थ्री में लिसनिंग टू स्पीक लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व तो क्या कल्चरली 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 बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स थ्योरिटिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल प्रोनाशिएशन आप बच्चों बच्चोंशन भी सीखते हैं हंड्रेड परसेंट लैंग्वेज की ग्रामेटिकल नॉलेज भी सीखते हैं हंड्रेड परसेंटिकल थोरिटिकल नॉलेज सीखते हैं बिल्कुल लेकिन क्या आप कभी कल्चरली बाउंड होकर स्पीक करते हैं इवेंट्स को नहीं बच्चों ये कोई बात नहीं है तो आंसर आपका वन बन जाएगा ठीक है बच्चों जी बिल्कुल सही है ये बात हमारी करेक्ट हो गई है तो आंसर हम यहां पे रखेंगे अपना ए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे देखो बच्चों 24 क्या कहता है वाइल्ड डेवलपिंग राइटिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपोर्टेंटली फोकस ऑन तो बच्चों किस पे फोकस करेगा क्या कह रहा है राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए टीचर कहां फोकस करेगा वर्ड लिमिट्स पे एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज गुड हैंड राइटिंग या बच्चों ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स पे राइट right, बच्चों बहुत अच्छे 24 का बी बनेगा एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज क्योंकि राइटिंग में सबसे बड़ी बात होती है क्या जनरेट कर रहे हैं क्या क्रिएट कर रहे हैं वहां पे तो इट वुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बहुत अच्छे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे अ टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव इन ग्रुप्स ऑफ सिक्स एंड प्रोवाइडेड ईच विदर्ट स्टोरी है ना क्लास फाइव में उसने ग्रुप्स में बांट दिया सिक्स के और उनको शॉर्ट स्टोरी इमेजिन भाई इमेजिन करो डिस्कस करो और राइट करो स्टोरी को विद अ डिफरेंट एंडिंग एक नई एंडिंग बनाओ इस एक्टिविटी में टीचर क्या डेवलप कर रही है बच्चों का क्रिएटिव राइटिंग प्रोडक्ट राइटिंग कंट्रोल्ड राइटिंग या बच्चों गाइडेड राइटिंग खुद बताइए एग्जैक्टली वेरी नाइस आंसर बच्चों ये क्रिएटिव राइटिंग बनेगा है ना क्योंकि बच्चे यहां पे क्रिएट कर रहे हैं उसका एंड बदल रहे हैं एंड बना के कुछ और कर दिया आपने जबरदस्त बात बन गई अब बच्चों बताओ 26 में बिफोर स्टार्टिंग न्यू लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक से एक नया लेसन स्टार्ट करने से पहले अ टीचर शुड फोकस ऑन टीचर को कहां फोकस करना चाहिए चूजिंग डिफिकल्ट वर्ड क्या वो डिफिकल्ट वर्ड चुने कनेक्टिंग द थीम ऑफ द लेसन विद लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस या मोरल ऑफ द लेसन बताए या बच्चों ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स ऑन द लेसन इस पे फोकस करे हंड्रेड परसेंट बच्चों ट्वेंटी सिक्स का बी बनेगा टीचर को क्या कनेक्ट करना है थीम ऑफ द लेसन को लर्नर्स के प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ में उससे बच्चा उसको जल्दी समझ पाएगा अच्छा हिंदी में भी था बहुत अच्छी बात है कांशियस ग्रेट अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पे आते हैं अ चाइल्ड इन क्लास सेकेंड देखो बच्चों क्लास सेकंड की बात अ चाइल्ड इन क्लास क्या लिखता है आई 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 अ अ रेड बक ऑफ राइटिंग क्या लिखना चाहिए लाइक अ रेड आई लाइक टू रीड अ बुक तो इसकी जगह पे ऊपर वाला यूज करता है वो डज द चाइल्ड राइटिंग शो बच्चे की राइटिंग क्या शो करती है बच्चों उसने इन्वेंटेड स्पेलिंग्स बनाई हैं, ंग एनी अटेंशन नीड्स टू वर्क ऑन फोरिटिक्स या बच्चों नीड्स रेमेडियल क्लासेज खुद बताइए आप लोग ट्वेंटी सेवन में हमारा आंसर क्या बनेगा यहां पर ओके ओके okay, okay, बिल्कुल सही है आपने देखा ना बच्चों जो हम देखें कंस्ट्रक्टिविज्म उसमें बच्चे इन्वेंट करते हैं नई नई चीजों को इन्वेंट करते हैं तो ये वही बात है इन्वेंटेड स्पेलिंग है यूनिवर्सल ग्रामर के थ्रू बच्चे ने बना ली है तो यही गलती यहां पे की है तो आंसर आपका वन बनेगा वो ध्यान भी दे रहा है फोनेटिक्स पे जरूरत नहीं है रेमेडियल क्लास की जरूरत नहीं है बल्कि सबसे बड़ी बात क्या इन्वेंटेड स्पेलिंग्स को उसने यूज किया है तो हमारा आंसर बच्चों यहां पर क्या जाएगा वन क्लियर टू एवरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आ गया आप इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लास एक कंस्ट्रक्टिव क्लास में लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज लर्निंग बच्चों किस पे बेस्ड रहेगी र्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग दियर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क या बच्चों एजम्शन दैट इंग्लिश लैंग्वेज कैन ओनली बी लर्न द टीचर ट्रांसमिट्स या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस या बच्चों ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक खुद बताइए आप लोग कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में लैंग्वेज लर्निंग बच्चे की किस पे बेस्ड होगी एग्जैक्टली exactly, बच्चों बहुत अच्छे लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज क्योंकि इसमें बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज पास्ट नॉलेज को लेता है और उस पर नई नॉलेज या नए कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करता है वो गलत भी हो सकता है वो सही भी हो सकता है लेकिन बच्चे उस पर सबसे बड़ी बात है कि क्रिएट करते हैं चीजों को कॉन्फिडेंस बनाते हैं अपना यहां पे। जी बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते ट्वेंटी नाइन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कहता है अ टीचर इज रीडिंग अ लेसन फ्रॉम क्लास थर्ड टेक्स्ट बुक अबाउट अ गर्ल कौन गर्ल है नीना इज नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग मैरिज पार्टी एज शी ड नॉट वॉन्ट टू लिव द स्पैरो गिलैरी को घर में अकेला नहीं स्पैरो गोरैया गोरैया को मतलब वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती है घर में सडनली अब अली स्टैंड अप एंड टेल्स द टीचर हाउ वन डे सेन विच वॉज लाइंग इन हिज बाल्कनी अज रिएक्शन टू द स्टोरी कैन बी डिस्क्राइब तो बच्चों बताओ अली का ये बताना कि मैंने एक दिन कबूतर को बचाया था ये कहानी क्या बताती है एन अपॉर्चुनिटी टू यूज ओरल लैंग्वेज इन द क्लास अटेंशन सीकिंग नेचर कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद द पर्सनल एक्सपीरियंस या बच्चों इंटररप्टिंग द टीचर इन बिटवीन वेरी नाइस बच्चों ये सी थर्ड जाएगा क्योंकि इसलिए तो टीचर बता रही है बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उस पर्टिकुलर इवेंट से और ये सबसे बेस्ट होता है है ना जब जब बच्चे कनेक्ट होते हैं कोरिलेशन विद लाइफ बनाते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस बनाते हैं दिस इज द बेस्ट एंड इफेक्टिव लर्निंग ऑफ द लर्नर राइट बच्चो जी क्वेश्चन नंबर थर्टी को देखते हैं और कहता है रिमेडियल रेमेडियल इज द एबिलिटी टू तो बताओ बच्चों सॉरी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू बताओ कैसी कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंट्रैक्टिंग द टेक्स्ट या अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग या ट्रांसलेट द रिटर्न सिंबल्स या बच्चों परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड द टेक्स्ट फ्लुएंटली क्या बनाएंगे आप लोग एग्जैक्टली बच्चों आंसर ए बनेगा कंस्ट्रक्ट करते हैं आप मीनिंग को बाय इंट्रैक्टिंग द टेक्स्ट टेक्स्ट के साथ में इंटरेक्ट करके आप उसका मीनिंग वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आंसर आपका ए बनेगा राइट right बच्चों ना कि उसके सारे वर्ड्स जान के उसका मीनिंग निकालना नहीं नहीं बस आप उसकी मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग भले ही आपको वर्ड्स का मीनिंग पता हो या ना पता हो डज नॉट मैटर एट ऑल तो यही बच्चों आपका रीडिंग कॉम्पिटेंशन होता है तो बच्चों इसी के साथ में आपके थर्टी क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं है ना सो हाउ डिड यू फाइंड द सेशन होप कि सब बच्चों को अच्छा लगा है इसे लाइक like करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब बच्चे है ना हाँ कॉम्प्रीहेंशन में यशिका अंडरस्टैंडिंग तो होती है ये ये जो लिखा है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्ट मीनिंग ये जो लिखा है कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंट्रैक्टिंग द टेक्स्ट ये वही तो बात होगी ना उसको आप उसके मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करिए इसका मतलब आप उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हाँ लेट थोड़ा सा कुछ जरूरी काम आ जाते हैं तो कभी कभी लेट हो जाता है बस यही होता है जी बच्चों तो चलिए बच्चों बढ़िया से लगातार तैयारी करें सब बच्चे अपनी और लगातार से मेहनत करते रहें इसी तरह से कल पारुल देखते हैं बेटा कल क्लास आपकी लेंगे या नहीं कल बताएंगे आपको अगर होगी तो क्लास आपकी शेड्यूल कर देंगे और नहीं होगी तो कोई बात नहीं ठीक है जी ठीक है, तो है तो. मॉर्निंग में शिवानी आपकी क्लास एट थर्टी होती है एट थर्टी मॉर्निंग और सिक्स पी एम आकांक्षी बेटा टिप्स तो मैं रोज दे रहा हूं बस लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहो और कुछ भी टिप नहीं है जो आप अभी कर सबसे तो बढ़िया टिप है अच्छा वो इस चली गई क्या मैं देखता हूं एक बार लगता है वो इसमें कोई प्रॉब्लम वो इस पता नहीं क्या क्या गड़बड़ कर रही है कि वो इस जाती रहती है अक्सर आ गई है बच्चों तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी हैव अ ग्रेट टाइम अपनी तैयारी करते रहे बढ़िया से पढ़ते रहे थैंक यू बच्चों इसी का इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो इस वजह से इनकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन का मतलब अगर देखें तो टोटल इसी तरह के रहेंगे लगभग चलो बहुत अच्छी बात है चांदनी इट्स गुड